हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आने वाले वीक के मार्केट आउटलुक को। इसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट के बारे में, तो यहाँ पे हमें 23rd वेडनेसडे को US मार्केट में मार्केट मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट एंड सर्विसेज PMI डेटा सितंबर के महीने के लिए इशू होता हुआ दिखाई दे सकता है। हम यूरो रीजन में भी मार्केट मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट एंड सर्विसेज PMI डेटा को यहाँ पे पब्लिश होता हुआ देख पाएंगे, जबकि हमें जापान में यहाँ पे जिबून बैंक का मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिट एंड सर्विस PMI डेटा यहाँ पे सितंबर के लिए पब्लिश होता हुआ देखने को मिल सकता है। थर्सडे 24th को हम फिर से US मार्केट में फेडरल चेयर जेरोमी पावल का एक टेस्टिमोनी को देख पाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे जॉबलेस क्लेम जो कि सितंबर 19 तक यहाँ पे US मार्केट में हमें उसका एक डेटा पब्लिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। जापान के मार्केट में हम यहाँ पे बैंक ऑफ जापान का मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स नोट्स को यहाँ पे देख पाएंगे। तो हमें एशियन मार्केट में थर्सडे को थोड़ी सी हलचल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्राइडे के बारे में, तो यहाँ पे हमें US मार्केट में फिर से ड्यूरेबल गुड्स का जो ऑर्डर डेटा है वो अगस्त के महीने के लिए हमें पब्लिश होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट IPO की लिस्टिंग के बारे में, तो हमें यहाँ पे 21st मंडे को रूट मोबाइल का IPO मार्केट में यहाँ पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये IPO हमें अराउंड 73.3 टाइम्स यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था, और ये IPO का जो साइज था वो 600 करोड़ का एक IPO था। तो ये एक क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें यहाँ पे ओवर द टॉप यानी OTT और MNO प्लेयर्स यहाँ पे अपना सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे CPaaS यानी कि क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऐसे प्रोवाइड एंटरप्राइजेस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस IPO का जो लिस्टिंग है वो हमें काफी ऊपर यानी कि एक प्रीमियम रेट पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी के सिनेरियो को देखते हुए ग्रे मार्केट में इसकी जो प्रीमियम देखी जा रही है वो है 60% का, यानी कि हमें अराउंड 560 के ऊपर यहाँ पे मार्केट में इसकी लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है। IPO में जिन सभी को ये लॉट अलॉट हुआ है उन्हें यहाँ पे 350 के रेट पे शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे लिस्टिंग के वक्त एक मुनाफा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें FIIs एंड DIA एक्टिविटीज के बारे में, तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे मार्केट में हमें एक नेट सेल ऑफ यहाँ पे देखने को मिला है। हम FIIs के साइड से एक मार्जिनल नेट इनफ्लो को यहाँ पे देख सकते हैं। करंटली हमें सितंबर के महीने में FIIs के साइड से यहाँ पे 1276 करोड़ का नेट इनफ्लो देखने को मिला है, जबकि हम DIAs के केस में एक भारी नेट आउटफ्लो को यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे DIAs ने मार्केट में अराउंड 5667.47 करोड़ का माल यहाँ पे अभी तक सितंबर के महीने में बेचा है। तो कभी भी आपको इस DIA के सेल ऑफ के चलते मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिसेंटली कंक्लूडेड वीक के मार्केट सिनेरियो के बारे में, तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मिड कैप और निफ्टी ऑटो जैसे कुछ सेक्टोरल इंडाइसिस में हमें थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला, जबकि हम यहाँ पे निफ्टी मेटल, निफ्टी FMCG, निफ्टी बैंक और निफ्टी PSU बैंक के केस में एक भारी यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो करंट सिनेरियो को देखते हुए मार्केट थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे बिहेव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का जो ऑप्शन है उसे भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसे देखते हुए कमिंग वीक में आपको 11,600 से लेके 11,700 के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निफ्टी के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और हम डाउनसाइड में 11,380 से 11,450 के बीच में यहाँ पे करेंटली एक क्रूशियल सपोर्ट जोन को यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस अगर निफ्टी इस लेवल को यहाँ पे ब्रीच करता है और इसमें एक गिरावट हमें देखने को मिलता है, तो आपको फिर से अगले कुछ ही दिनों में निफ्टी यहाँ पे 11,100 की ओर अपना रुख करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसे अगर आप इसके वीकली सेटअप से देखना चाहें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो इसकी ट्रेंड लाइन है उसमें थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसने अपने ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे यहाँ पे अपना क्लोजिंग 11,500 के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे देखते हुए अगर ये फिर से अपने प्रीवियस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे
सस्टेन करने में कामयाब रहता है, यानी कि इसे फिर से रिक्लेम करता है, तभी जाके इसमें एक मार्जिनल अपसाइड हमें दिखाई दे सकता है। अदरवाइज कंसोलिडेशन के चलते इसमें एक गिरावट अगले कुछ दिनों में हमें 100 से 200 पॉइंट्स नीचे की ओर हमें दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट RSI और MACD इंडिकेटर्स में भी यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस को यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे MACD का जो लाइन है उसमें हमें कॉन्स्टेंटली एक डिक्लाइन अभी के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पे इसके RSI लेवल्स में एक ओवर बॉट जोन की ओर इसका रुख यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके चलते इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी ऊपर जा चुका है। और यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर्स भी कभी भी मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल की ओर हमें इशारा करते हैं। तो आपको इन सब बातों को कंसिडर करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई भी फ्रेश एंट्री लेने से अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन के वजह से मार्केट हमें रेंज बाउंड मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाले 3 IPO के बारे में बात करें, तो सबसे पहला IPO है कैम्स का IPO, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट का IPO, जो कि म्यूचुअल फंड सेगमेंट में काम करती है। ये मार्केट में एक लिस्टेड प्लेयर है जिसका कोई भी कंपटीशन मार्केट में लिस्टेड अभी तक नहीं है। इस IPO के बारे में अगर हम बात करें तो ये मंडे सितंबर 21 को यहाँ पे ओपन होगा और ये वेडनेसडे सितंबर 23 तक यहाँ पे मार्केट में चलने वाला है। ये एक बुक बिल्डिंग IPO है जिसमें कंपनी अराउंड 18,246,600 इक्विटी शेयर को यहाँ पे 10 रुपये के फेस वैल्यू पे यहाँ पे मार्केट में बेचने वाले हैं। और इस IPO का जो साइज यहाँ पे बोला जा रहा है वो है 2,244.33 करोड़ का। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है, जबकि इस IPO का जो प्राइस बैंड है वो हमें 1229 से लेके 1230 के बीच में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे 122 रुपीज का एक डिस्काउंट को यहाँ पे इशू किया गया है, जबकि अगर आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर या फिर आप किसी भी दूसरे कैटेगरी में इसमें अपना अप्लाई करते हैं तो आपको पर लॉट इसमें 12 शेयर का अपना लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। इसमें इसकी जो लिस्टिंग है वो हमें BSE में सिर्फ देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पे NSE में लिस्टेड नहीं होने वाला है। अगर इस बिड ओपनिंग के डेट के बारे में बात करें, जो कि हमने पहले बोल चुका है, और इसकी जो अलॉटमेंट है वो आपको सितंबर 28 से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपका फंड की रिफंड आपको नेक्स्ट डे सितंबर 29 को देखने को मिल सकता है, जबकि इसकी जो क्रेडिट है वो आपके डिमैट अकाउंट में सितंबर 30 को यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। IPO की लिस्टिंग हमें 1st October को यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और यहाँ पे फिर से हमें एक प्रीमियम के चलते मार्केट में इसकी लिस्टिंग अराउंड 1500 या फिर 1600 के करीब यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे सकता है। अगर आप इसमें एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए 14,760 रुपीज यहाँ पे स्पेंड करने होंगे, और अगर आप अपने साइड से रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम यहाँ पे लॉट के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप 13 लॉट्स के लिए मैक्सिमम 1,91,880 रुपीज तक एक एप्लीकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें केमकॉन की स्पेशलिटी केमिकल IPO के बारे में, तो ये भी कल से मंडे को 21 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, और ये भी आपको वेडनेसडे सितंबर 23 तक यहाँ पे कंटिन्यू रहता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू में मार्केट में 9,352,940 शेयर्स को मार्केट में बेचना चाहती है, और इस इशू का जो साइज है वो हमें 318 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो IPO की इशू प्राइस है वो आपको 338 से लेके 340 के बीच में यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और इसमें आपको पर लॉट 44 शेयर्स के लिए यहाँ पे अपनी बिड यहाँ पे डालनी पड़ सकती है। अगर आपको इसमें कोई भी अलॉटमेंट होता है उसके रिलेटेड डिटेल्स आपको सितंबर 28 से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ उस दिन आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का कुछ डिटेल हमें मार्केट आर्ट्स में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे रिफंड इशू होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इसकी जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट है वो आपको सितंबर 30 को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। IPO की लिस्टिंग फिर से हमें अक्टूबर 1 को यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और अगर इसमें आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए 14,960 रुपीज तक यहाँ पे स्पेंड करना पड़ सकता है, और अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो आप 13 लॉट्स के लिए यहाँ पे 1,94,480 रुपीज तक यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम
अगले आईपीओ के बारे में बात करें जो कि एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ है, तो आपको यहाँ पे सितंबर 22 से लेकर सितंबर 24 के बीच में इसकी आईपीओ मार्केट में यहाँ पे लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें कंपनी यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपये पे यहाँ पे मार्केट में अराउंड कुछ शेयर्स इश्यू करने वाली है। उसके डिटेल्स अभी तक यहाँ पे सामने नहीं आया है। यहाँ पे आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो हमें 305 से लेके 306 के बीच में देखने को मिल सकता है। और एक अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको पर लॉट इसमें 49 शेयर्स तक यहाँ पे अलॉट किए जा सकते हैं। इसकी लिस्टिंग आपको दोनों ही मेजर इंडाइसेस यानी BSE और NSE में देखने को मिल जाएगा, जबकि इसकी जो आईपीओ की अलॉटमेंट डिटेल्स है वो आपको सितंबर 29 को यहाँ पे मार्केट आर्स के दौरान यहाँ पे जानने को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको 5th अक्टूबर को दिखाई दे सकता है, जबकि इसके जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट है अगर आपको इसमें कोई भी इश्यू होता है तो आपको ये 1st अक्टूबर को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसमें अगर आप कोई भी लॉट के लिए मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 14,994 रुपये तक यहाँ पे स्पेंड करना पड़ सकता है। और यहाँ पे आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स के लिए 1,94,922 रुपये तक यहाँ पे अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इंट्राडे स्टॉक वॉचलिस्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बारे में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हम यहाँ पे आपके लिए मार्केट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं। और चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप उसे यहाँ पे नीचे कमेंट एक पिन कमेंट में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं रुकता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।